आपको टेडी बेयर पसंद है ना, वो भी छोटा सा क्यूट सा पिंक वाला। तो चलिए बनाते हैं टेडी बेयर ब्रोच। वेलकम टू गिफ्टी क्राफ्ट। इसके लिए हमें ये टूल्स चाहिए, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमेशा की तरह 3 कलर्स के पॉलीमर ले लिए हैं। पिंक ले लेकर उसका बॉल बनाएंगे और फिर उसे फिंगर से ऐसे फ्लैट करेंगे और हेड का शेप देंगे। एकदम सिंपल है। और अभी इसकी बॉडी बनाएंगे, तो बॉडी बनाने के लिए आपको टीयर ड्रॉप शेप बनाना है और फिर उसे हेड के साथ ऐसे अटैच करेंगे। हम थोड़ा सा हल्के से प्रेस करेंगे। यू कैन यूज एनी लाइट कलर टू मेक दिस टेडी बेयर। ये एकदम इजी है। देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप इसे ऐसे ही फॉलो कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको ये इजी होगा टेडी बेयर बनाना। तो अभी हम इसके लेग्स बनाएंगे, तो उसके लिए भी ऐसे ही आपको टीयर ड्रॉप शेप बनाना है और उसे यहाँ पे ऐसे अटैच करना है। देखिए, अभी हम इसके ईयर्स बनाएंगे। इस टूल से हम क्ले को मर्ज करेंगे। थर्ड टाइम मैं इस क्रिएशन को बना रही हूँ। पहली दो बार मैंने जो बनाया था वो मेरे रिलेटिव्स को इतना पसंद आया कि वो उन्होंने ले लिया। ये टेडी बेयर ब्रोच है ही ऐसा जो देखते ही पसंद आ जाए। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाना। अभी हम इसका माउथ बनाएंगे। तो माउथ बनाने के लिए व्हाइट क्ले का ओवल शेप बनाकर लगा लीजिए और इस तरह से हम नीडल टूल से राउंड राउंड घुमाते हुए इस टेडी बेयर का फर का टेक्सचर बनाएंगे। तो ये टेक्सचर रेडी हो गया। डॉटिंग टूल से हम इसके ईयर में हल्के से प्रेस करेंगे और इसकी ईयर्स को ऐसा शेप देंगे। तो अभी हम इस क्यूट से टेडी बेयर के लिए छोटी सी नोज बनाएंगे। तो नोज बनाने के लिए आपको ब्लैक क्ले लेना है और उसे ट्रायंगल शेप देना है। तो ये छोटी सी नोज रेडी है। नोज लगाने से पहले हम इस टेडी बेयर का माउथ ड्रॉ करेंगे। तो नीडल टूल से ऐसे ड्रॉ करने के बाद ये नोज हम यहाँ अटैच कर लेंगे। इस टेडी बेयर ब्रोच को आप किसी भी प्लेन टी शर्ट या वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी पहन सकते हैं। इसे पहनने के लिए किसी भी ओकेजन की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी कहीं भी इसे पहन सकते हैं, वाइल गोइंग टू ऑफिस या कॉलेज। लेग के डिटेल्स ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे टीयर ड्रॉप शेप लगाया है और 3 वाइट क्ले के बॉल्स लगाए हैं। सेम प्रोसीजर से आपको दूसरी साइड में भी करना है। डॉटिंग टूल से हमने हल्के से यहाँ पे क्ले को प्रेस कर लिया है। यहाँ पे आपके टेडी बेयर के आईज लगेंगे। ब्लैक क्ले के छोटे से बॉल बनाकर आपको इस कैविटी में लगाने हैं। हम छोटे साइज के डॉटिंग टूल से इस क्ले को हल्के से प्रेस करेंगे। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल बता सकूं, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। अभी हमने ये टोज भी रेडी कर लिए हैं और बड़े साइज के डॉटिंग टूल से हम इसका सेंटर पार्ट भी हल्के से ऐसे प्रेस करेंगे और उसे शेप देंगे। इस टेडी बेयर के लिए हम मफलर बनाएंगे। मफलर बनाने के लिए आपको क्ले की स्ट्रिप लगेगी, तो इस तरह ये स्ट्रिप बनानी है हमें। इस स्ट्रिप को हम इसके नेक के अराउंड लगाएंगे। यहाँ पे मैंने मफलर लगाया है इस टेडी बेयर को। आप यहाँ पे बो भी लगा सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।
और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू फॉर दैट। आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो अभी हम इस मफलर का एंड बनाएंगे। तो इस तरह से इसके एजेस को मैंने ऐसे कट कर लिया है और फिर हम इसको मफलर के साथ ऐसे अटैच करेंगे। हल्के से पिन से लगाकर इसको फिक्स कीजिए प्रॉपर पोजीशन में डॉटिंग टूल से, और फिर हम इस बैर को प्री बेक करेंगे। ब्रोच बनाने के लिए हमने यहाँ पे पिंक क्ले को रोल करके लिया है और ये टेडी बेयर भी प्री बेक हो गया है। उसकी आउटलाइन को हम कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा क्ले को निकाल लेंगे। अभी आपको इसके साथ पिन अटैच करनी है, ब्रोच पिन। तो ब्रोच पिन की यहाँ रखकर साइज से उसके साइज से हमें कट लगा लेने हैं क्ले में। और फिर हम यहाँ पे पिन को इस तरह से लगाएंगे। क्ले को आपको प्रेस करना है और इसको ऐसे सील करना है अंदर की साइड में। तो इससे आपका ये जो टेडी बेयर का पीछे का हिस्सा है वहाँ पे लगाना है, तो ये नीट एंड क्लीन भी दिखेगा और आपकी पिन भी अटैच हो जाएगी। इस तरह से इसके एजेस को लगा लीजिए और ब्रश से इसको प्रेस कीजिए, तो इससे ये टेक्सचर आ जाएगा। और एक्स्ट्रा क्ले जो इसके एजेस पे है उसको निकाल लीजिए। उसके बाद हम इस ब्रोच को बेक करेंगे। तो ये हमारा क्यूट सा टेडी बेयर ब्रोच रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।